हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, के पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट किया मैंने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आई बटन पे आप लोग जाके इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, तो वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखना। क्या क्या डिस्कस करने वाले वीडियो के अंदर, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इफ देन इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एंड ओनली इफ, डबल कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन या डबल कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। पहले इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। ये बेसिक्स है, क्या है बेसिक्स है, ये बेसिक्स को समझने के बाद इसके बाद जो 1.4 स्टार्ट करें तो एक्सरसाइज 1.4 आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमको सारी चीजें समझ में आ जाती है, बिकॉज कंसेप्ट इज एवरीथिंग। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ देन इम्प्लीकेशन, इसका सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, एरो, वन साइड एरो रहेगा, कंडीशनल कहा जाता है इसको। सो व्हाट इज इफ देन स्टेटमेंट, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू, सपोज करते हैं हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय वर्ड इफ देन, अगर दोनों सिंपल स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्टेड है, सो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट If then Q, if लिखेंगे फिर स्टेटमेंट P लिखेंगे, then लगाएंगे फिर स्टेटमेंट Q लिखेंगे, ओके, इट्स कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन, ओके। इफ वी हैव टू सिंपल स्टेटमेंट, दिस टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय इफ देन दिस वर्ड, द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज इफ देन Q, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिटेन इन द सिंबॉलिक P implies Q, read as implies, P implies Q, कैसे पढ़ेंगे इसको, P implies Q, ओके। तो थर्ड पॉइंट इज हियर, पॉइंट नंबर थ्री हियर, P is called antecedent hypothesis and Q is called consequent conclusion, ओके। मींस क्या हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस रहेगा, जो पहला वाला सेंटेंस रहेगा वो आपका हाइपोसिंथेसिस कहेंगे, अथवा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कंक्लूजन, ओके। ये जो कंक्लूजन है ये डिपेंड करता है हाइपोसिंथेसिस, हाइपोसिंथेसिस क्या है उस हिसाब से इसका कंक्लूजन होगा, ओके। तो पी को हम लोग हाइपोसिंथेसिस डिनोट बोलेंगे और क्यू को जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग कंक्लूजन बोलेंगे, ओके। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन हाइपोसिंथेसिस एंटीसीडेंट हाइपोसिंथेसिस इज ट्रू, जब हाइपोसिंथेसिस आपका ट्रू रहेगा दैट मींस पी जो रहेगा वो ट्रू रहेगा एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, और क्यों क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन पी मतलब हाइपोसिंथेसिस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, मतलब जो हाइपोसिंथेसिस ट्रू रहेगा और कंडीशनल क्या रहेगा फॉल्स रहेगा, एट दैट टाइम जो कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सपोज करते हैं यहां पर इसका क्या है, ये ट्रूथ टेबल है, वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, अब पी और क्यू हमारे पास जब दो स्टेटमेंट है उसके पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, ट्रूथ वैल्यूज की टी एफ एंड टी एफ, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कंडीशनल स्टेटमेंट कब फॉल्स रहेगा, जब आपका पी क्या रहेगा, पी ट्रू रहेगा, क्यू क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। तो यहां पर देख लो P क्या है ट्रू है और Q क्या है फॉल्स है, तो एट दैट टाइम में क्या रहेगा फॉल्स रहेगा, अदरवाइज सब क्या रहेंगे टी रहेंगे, अदरवाइज सब क्या रहेंगे वाले टी रहने वाले। स्टेटमेंट मींस P स्टेटमेंट टी रहेगा और Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ओके, ये ट्रू रहेगा और फॉल्स रहेगा, एट दैट टाइम द कंडीशनल स्टेटमेंट क्या रहेगा फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेंगे सब ट्रू ट्रू रहेंगे, ओके स्टूडेंट अंडरस्टूड। चलो इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, टी और एफ याद रखना, T implies F को करेगा तो F, अदरवाइज सब क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे, T implies F, देखो T implies T, T implies F, F, F implies T, T, F implies F, T, so जब T implies F को करेगा तो F क्या रहेगा, F रहेगा, ओके। सो ये हमारा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको इंप्लीकेशन कंडीशनल बोल कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एरो से, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हम लोग If and only if, double implication. So, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको नोटबुक पे लिख दो, मैं इसको रफ करके सेकेंड वाला टॉपिक में एक्सप्लेन कर देता हूं, if and only if. नेक्स्ट टॉपिक देख लेते क्या है हमारे पास, if and only if.
बाय कंडीशनल है, डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल, इसको डबल एरो से हम लोग क्या करेंगे डिनोट करेंगे, कभी कभी इसको इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ओके क्या होता है रीड कर लेता हूं, सबको समझाता हूं। इफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, इफ वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड इफ एंड ओनली इफ, देन रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट पी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे, फिर सेकेंड स्टेटमेंट लिख देंगे, इसको करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिटेन इन द सिंबॉलिक, सिंबॉलिकली कैसे लिखे पी डबल इंप्लीकेशन का साइन क्यू एंड रीड एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको कैसे रीड करेंगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली बोथ द इंप्लीकेंट्स, बोथ द इंप्लीकेंट्स, बोथ द इंप्लीकेंट्स मीन्स यहां पर दो इंप्लीकेंट्स है पी है, दूसरा इंप्लीकेंट्स इंप्लीमेंट्स क्या है क्यू है, तो बोथ द इंप्लीकेंट्स आर सेम वैल्यू ट्रूथ वैल्यू, अगर इन दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। क्या बोला लास्ट पॉइंट एकदम अच्छे से समझना हमको, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली बोथ द इंप्लीकेंट्स, बोथ द इंप्लीकेंट दैट मीन्स पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ओके सो हमारे पास दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, बोथ द वैल्यू अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। सपोज करते ये दोनों क्या है सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा टी आएगा, ये दोनों क्या है सेम है इसका आंसर क्या आएगा टी आएगा। समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट बोथ द वैल्यूज आर सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम दैट मीन्स दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा एफ एंड एफ। सो डबल इंप्लीकेशन से क्या समझा, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएंगे, अगर उनमें से एक भी फॉल्स है दैट मीन्स क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो डबल इंप्लीकेशन में क्या है टेबल कैसे लर्न करना है कि दोनों वैल्यू अगर सेम रहेगा तो वैल्यू टी आएगी अदरवाइज क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएंगे, इन अदर वर्ड अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स चलो तो ये आपको समझ आया पूरा एकदम अच्छे से। सो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.4, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे लिख के रखा मैंने राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, जो भी स्टेटमेंट है बस उसको क्या करना सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना, उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या नहीं फाइंड आउट करना है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना है। ओके सो इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर, हमारे स्टेटमेंट क्या है इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर। सो यहां पर कौन सा सिंबॉल यूज होगा if then का, if और यहां क्या है then है, so that's all क्या बोलेंगे let p triangle triangle is equilateral, second statement क्या है it is, q statement क्या है it is equiangular। okay students दोनों statement लिख दिया, अब उसको क्या करना है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इफ और देन है तो इसका इंप्लाइज रहेगा इफ पी इंप्लाइज क्यू। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज रियल नंबर, सो स्टेटमेंट यहां पर एक ही है आई इज रियल नंबर, यहां पर सिंगल स्टेटमेंट है और यहां पर क्या लगाया है नॉट लगाया है, डेट मीन हमको निगेशन का यूज करना है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो मैंने बताया निगेशन क्या होता है, उस वीडियो को आप लोग जाके देख लेना 1.3 में। ओके सो लेट पी क्या है आई इज अ रियल नंबर, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन ऑफ पी, बिकॉज यहां पर नॉट का यूज किया था इसलिए पी के आगे क्या लगेगा निगेशन का सिंबल लगेगा। ओके अभी आप लोग सोच रहे सर यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऐसा लिखा, भाई थ्योरी है आपको सेंटेंस जैसा फॉर्मेशन करना वैसा आप लोग
कर सकते हो. इट इज डिपेंड ऑन यू. इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग. तो यहां पर दो स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी और इट इज स्टिल रेनिंग. अब सर आपने नॉट नहीं बोला, नॉट हम लोग बाद में लगाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को अफर्मेशन में लिखेंगे, अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे. जब उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे एट दैट टाइम लोग वहां पर निगेशन का साइन यूज करेंगे. ओके, लेट पी इट इज क्लाउडी एंड क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट इज स्टिल रेनिंग. ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज. स्टूडेंट्स ये दो जो है ये किससे रिप्लेस होगा, एंड से रिप्लेस होगा. किससे रिप्लेस होगा, एंड से. और एंड का सिंबल क्या होता है, ये इस तरह से होता है. तो हम लोग क्या बोले, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे क्या लगा था, नॉट लगा था, दैट्स व्हाई यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ. यहां पर लॉजिकल कनेक्टिव का पता लग गया, कौन सा है, डबल इंप्लीकेशन का है, डबल कंडीशन का, बाय कंडीशन है. ओके, सो मिल्क इज व्हाइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिल्क इज व्हाइट. अनदर स्टेटमेंट इज इट इज द स्काई इज नॉट ब्लू. तो सेकेंड स्टेटमेंट में आगे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वो याद रखना. सो लेट पी, पी स्टेटमेंट क्या, मिल्क इज व्हाइट. ओके स्टूडेंट, एंड क्यू स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू. जब आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे एट दैट टाइम आपको क्या करना है, स्टेटमेंट आपको अफर्मेटिव लिखना है. नॉट लिखा रहेगा, नॉट में नहीं लिखेंगे, स्काई इज ब्लू. ओके, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज का सिंबल लगा दिया मैंने, एंड नॉट यहां पर नॉट लगा दिया, और क्या लग जाएगा यहां पर बोलो मुझे, क्यों. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके आगे क्या लगा है, नॉट लगा है, दैट्स व्हाई मैंने क्यू के आगे क्या लगा है, नॉट का सिंबल लगा दिया. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टॉक प्राइस इज हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक आर राइजिंग. सो हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेट पी इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस आर हाई, स्टॉक प्राइस आर हाई. सेकेंड स्टेटमेंट क्या, क्यों, स्टॉक आर राइजिंग. समझ आ रहा है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, अब यहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना है, इफ एंड ओनली इफ का. सो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी डबल इंप्लाइज क्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 रिमेनिंग, सिर्फ एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6. तो मैं यहां पर इसको 6 को यहां पर लिख देता हूं. इसको आपको क्या करना, होमवर्क करना है. क्या करना है, एज अ होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा. मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन, यहां पर क्या आएगा, देन ताजमहल इज इन आगरा. इसको आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे यहां पर लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है. तो इफ एंड देन, दैट मींस इंप्लीकेशन का यूज करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, ताजमहल इज इन आगरा. तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या लगा देंगे, इफ देन का सिंबॉल यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख के रखा है यहां पर, कैश क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सी है. ओके, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो उसके अंदर कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किया है. एंड का यूज किया, और का यूज किया, निगेशन का यूज किया, इंप्लाइज का यूज किया, डबल इंप्लाइज का यूज किया, किसका यूज किया है. ओके, तो हमारा यहाँ सेंटेंस जो है उसको देख के लगता है कि यहाँ पर नॉट का यूज किया है. इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 7 आई इज रियल.
नंबर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट है बिकॉज जब भी निगेशन का यूज होता है तो आप कितने स्टेटमेंट होते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है. लेट पी 3-7i इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर. ओके स्टूडेंट, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, स्टूडेंट से रियल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि लेवल तो हमने देखा है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. सो दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ. क्या हो जाएगा ट्रूथ वैल्यू, क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा. ओके, अब इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या है स्टूडेंट्स, पी हो जाएगा. और इसके आगे क्या लगा, निगेशन ऑफ पी. दैट्स व्हाई यहां पर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू मुझे मालूम है एफ है, तो निगेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू टी. समझा, निगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू निगेशन के टेबल से. निगेशन टेबल देखा था, अगर एफ रहेगा तो टी हो जाएगा, टी रहेगा तो एफ हो जाएगा. ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवेन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, टी. समझा? ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इफ ज्वाइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप देन द डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर. तो यहां पर लॉजिकल क्रेडिट इफ और देन का यूज किया है. ओके, सो हम लोग दो स्टेटमेंट फाइंड आउट करते, पहले दो स्टेटमेंट क्या, लेट पी अ ज्वाइंट वेंचर बीके में सीखा हुआ है, अ ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्यों, क्यों डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट ऑन परचेस is credited to, credited to supplier, to the supplier. Okay students, credited to the supplier. Okay, the truth value of statement is the of P and Q are T and F because ज्वाइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप. ये सही बात है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, बट डिस्काउंट ऑन परचेस क्रेडिट टू सप्लायर. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है. ओके, सो पी का, पी के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, टी रहेगी, और क्यू के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, एफ रहेगा. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म इज, अभी दो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू बिकॉज इफ और देन का यूज किया है, तो P implies Q, so that's why क्या हो जाएगा, T implies F. और implication table में देखा था, जब first implies hypothesis का T रहेगा और conclusion का F रहेगा, मतलब first statement true रहेगा, second statement false रहेगा, so यहां पर value कितना आ जाएगा हमारा, okay? Because यहीं पर खाली F होता है, जब हमारा T F को implies करेगा तो F होगा, otherwise सब क्या होते हैं, true होते हैं according to if then के table से. Okay, सो हो गया ट्रूथ वैल्यू ऑफ, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवेन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज एफ. ओके स्टूडेंट्स, ओके क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल इफ एंड ओनली मशीनरी आर एसेट्स. अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है. तो अगर आप लोग सही देखोगे, इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन. ओके, अब दो स्टेटमेंट कौन से, फर्स्ट स्टेटमेंट है इज एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल. एक गलत बात है, हर एक अकाउंटेंट अपना अपना रूल लगा सकता है कि नहीं, अगर सब लोग अपना अपना रूल लगाने लग जाए तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट मशीनरी इज असेट्स. मशीनरी क्या है, असेट्स है, ये सही बात है. सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू. ओके, तो
तो लेट पी, पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग रूल्स. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा, मशीनरी, मशीनरी इज असेट. ओके, सो ट्रूथ वैल्यू लिख देते दोनों का. पी का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर, पी का ट्रूथ वैल्यू रहेगा एफ एंड टी का, क्यू का ट्रूथ वैल्यू रहेगा टी, रिस्पेक्टिवली. आप रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो. ओके, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते दोनों का. सिंबॉलिक फॉर्म समझ आया, पहले दो स्टेटमेंट लिखेंगे फिर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, आफ्टर दैट क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म लेना. सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसके बाद हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पूरे सेंटेंस का. ओके, सिंबॉलिक, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहां पर कौन इफ एंड ओनली इफ यूज किया, पी एंड क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. सो क्या हो जाएगा, पी का हम लोगों को क्या कंसिडर किया, एफ, एफ एंड टी, क्या आंसर आएगा इसका, अकॉर्डिंग टू इफ एंड ओनली इफ के टेबल में हम क्या देखा था, अगर दोनों वैल्यू सेम है, वीडियो की स्टार्टिंग बताया, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो टी होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स. यहां पर दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा. ओके, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 27 इज प्राइम नंबर एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज 27 इज डिविजिबल बाय 4. और दोनों में क्या लगाना है, नाइदर और नॉर, मतलब दोनों में निगेशन का सिंबल लगेगा. समझा, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर, पी 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज क्यू, क्यू 27 इज नॉट डिविजिबल बाय, 27 इज डिविजिबल बाय, सॉरी अफर्मेटिव में लिखना है, 27 इज डिविजिबल बाय बाय 4. ओके, यहां पर दो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, अब दोनों स्टेटमेंट का क्या लिखेंगे लोग, ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे. ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, अब 27 इज प्राइम नंबर, ये 27 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा. प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में और एक से डिवाइड होगा, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. 27 इज डिविजिबल बाय 4, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स एंड एफ रिस्पेक्टिवली. समझा, इसके लिए भी एफ रहेगा, इसके लिए भी एफ रहेगा. तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, इसके आगे भी नाइदर लगा था, नाइदर पी एंड नाइदर क्यू. ओके, जब नाइदर और नॉर आएगा तो एट दैट टाइम को एंड का यूज करना है. ओके, नाउ क्या हो जाएगा, नाइदर पी का वैल्यू एफ है एंड एफ. ओके स्टूडेंट्स, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टी एंड टी, और टी एंड टी क्या होता है, टी होता है, एंड के टेबल से टी एंड टी क्या होता है, टी होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, होमवर्क करना है. ओके, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा तो आप क्या करोगे, सो दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन 5 है वो आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क करना है. अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है, क्या करना है, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 5 टेबल्स हैं, एंड का लॉजिकल कंक्लूजन, एंड और नॉट, इंप्लाइज और डबल इंप्लाइज, ये 5 टेबल हमको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए.
और लर्न करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग सारे वीडियोस देखते आ रहे हो, सीरीज वाइज देखते आ रहे हो, 1, 2, 3, 4 सीरीज वाइज देखते आ रहे हो, तो आपको सारे वीडियोस की वजह से आप पूरे ट्रू टेबल क्या हो गए, लर्न हो गए होंगे। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रू टेबल हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रू टेबल की वजह से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करना है, किसके आंसर्स क्या आएंगे, ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका। और यहां पर एक चीज पहले से बोल के रखा है कि पी एंड क्यू वो क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स पी और क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्या रहेगा, ट्रू। और आर और एस का वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला उसने कि पी और क्यू जहां पर रहेगा वहां पर आपको ट्रू रखना है, और आर और एस जहां पर आपको दिखा वहां पर क्या रख देना, फॉल्स रख देना, और आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करके देनी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिख दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं वो दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो इसको एकदम ध्यान से लिखते जाना क्या करना है इसको। सो पी का वैल्यू क्या करना, टी है, टी एन, टी एन एफ। ओके, और एन अकॉर्डिंग टू एन के टेबल में, एन का टेबल क्या होता है कि टी एन टी टी होता है, मतलब अगर दोनों टी है तो ही टी होगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा, टी एन एफ। अब फिर से वही रूल अप्लाई होगा, टी एन एफ तो क्या आएगा, एफ, क्योंकि ट्रूथ टेबल के हिसाब से टी एन टी टी होता है, अगर दोनों टी है तो ही टी होगा, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व है। अब यहां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पी का वैल्यू रखना क्या, टी, और इंप्लाइज टी। ओके नाउ, और आर का वैल्यू रखना है आपको क्या रखना है, आर का वैल्यू एफ रखना है, एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब टी इंप्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, बिकॉज जब टी इंप्लाइज एफ करता है तो ही एफ होता है, टी इंप्लाइज एफ करेगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या हो जाता है, टी हो जाते हैं। और एफ एंड एफ, F एंड F, F, ओके, सो F एंड F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो T और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, बिकॉज और भी टेबल में अगर कोई भी एक T हो जाएगा, सॉरी, और भी टेबल में कोई भी अगर F, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू F के टेबल में। F में F और F क्या होता है, F होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। आपको टेबल परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपको टेबल एकदम अच्छे से लर्न है तो आप एक एक्सरसाइज एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड, अब यहां पर देखो बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, हम लोग क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स हमको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। सो निगेशन ऑफ, अब निगेशन पी के वैल्यू, पी के लिए मुझे क्या रखना है, टी रखना है, तो मैंने यहां पर टी रख दिया, और एस के लिए मुझे क्या रखना है, एफ रखना है, तो मैंने रख दिया। यहां पर कौन सा सिंबल है, एंड का सिंबल है, तो निगेशन ऑफ क्यू की जगह मुझे टी रखना है, बिकॉज पी और क्यू के लिए टी रखना है, एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देखो निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एफ और एफ, एंड निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है, एफ एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे का सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा, देखो एफ और एफ क्या होता है, एफ और एफ, एफ होता है, एफ और एफ, एफ होता है, अदरवाइज सब क्या होता है, टी होते हैं, एफ एंड एफ, एन के टेबल में क्या होता है, टी एंड टी टी होता है, बाकी सब एफ होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, इसे छोटा ब्रैकेट लगा दो, समझ में आ रहा है। और अभी देखो F एंड F, T एंड T, T होता है, बाकी सब क्या होता है, F होता है, अगर T एंड T लिखा तो ये T लिखना, बाकी सब क्या लिखना, F लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ F T हो जाएगा। समझे स्टूडेंट्स, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल P और Q का वैल्यू अप्लाई करते हैं वहां पर, फोर्थ वन, P की जगह रखना T, T इंप्लाइज T लिख दिया, अभी डबल इंप्लीकेशन का सिंबल है, और यहां निगेशन है, तो टी और टी। ओके स्टूडेंट्स, सो इंप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर टी एफ को इंप्लाइज करेगा, टी अगर एफ को इंप्लाइज करेगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, टी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ओके, तो यहां पर डबल इंप्लीकेशन, डबल कंडीशन हो सकते हो, निगेशन का सिंबल लगा दिया, और यहां पर टी और टी, एफ और एफ, एफ होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टी, तो यहां पर टी लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी क्या करेंगे हम लोग,
देखो ए टी हो गया, ए डबल इंप्लीकेशन, टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ही टी होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग बताया डबल इंप्लीकेशन का टेबल, अगर दोनों वैल्यू सेम है टी 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 होगा, एफ और एफ क्या होगा, टी होगा। दोनों वैल्यू अगर सेम है तो ही टी होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 समझा होगा आप लोगों को। अगर आपको टेबल एकदम अच्छे से लाना है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वो अलग अलग तरीके से आप टेबल लर्न कर सकते हो, अपना सबका माइंड सेट अलग होता है, आपको कैसा लर्न करना है वैसे लर्न कर लो। ओके, मैंने बताया हुआ है मैंने कैसे लर्न किया है। ए टी एन टी टी होता है, एफ और एफ एफ होता है, अगर टी एफ को इम्प्लाइज करेगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब टी हो जाएगा। अगर डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो टी होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह मैंने पांचों टेबल क्या हुआ लर्न किए हुए। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th और 6th मैंने आपको लिख के रखा, इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, खाली यहां पर मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए किसी भी कनेक्टिव का, लॉजिकल कनेक्टिव जितनी उसको प्रॉपरली यूज करना है। ओके सर, अब पी के प्लेस पर मुझे क्या रखना है, टी रखना है। सो मैं यहां पर लिख दूंगा टी, और एस की प्लेस पर मुझे रखना है एफ, लिख दिया। और इंप्लाइज का साइन आर की प्लेस पर मुझे एफ रखना है। ओके, पहले मैंने उसका साइन कर देता हूं कि पी और क्यू की जगह मुझे ट्री रखना है, आर और एस की जगह पर मुझे फॉल्स रखना है। ओके, और निगेशन, निगेशन पी की जगह मुझे टी रखना है, क्यू की जगह मुझे क्या रखना है, टी रखना है। ओके, और इसकी जगह क्या रखना है, एफ रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू और के टेबल में ये क्या है, और है ना, और के टेबल में एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी इंप्लाइज एफ, टी इंप्लाइज एफ। ओके, और यहां पर क्या है, और निगेशन, आओ ये निगेशन, टी जब टी को इंप्लाइज करेगा, देखो टी जब एफ को इंप्लाइज करता है तो इसका आंसर आता है एफ, जब टी टी को इंप्लाइज करेगा तो आंसर कितना आएगा, टी आएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और एफ। अब आगे टी ने एफ को इंप्लाइज किया, तो टी जब एफ को इंप्लाइज करता है तो आंसर क्या आता है, एफ आता है। ओके, और जो इसका जो भी आंसर रहेगा उसके आगे निगेशन लगा दो, टी और एफ, टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, क्योंकि एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब टी होता है। अब इसका निगेशन लगाना है, निगेशन निगेशन क्या होगा, कैंसिल, डबल निगेशन लगाना, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दो बार निगेशन करोगे तो वही वैल्यूज आ जाएगी। तो एफ और टी, एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ट्रूथ वैल्यू इज टी हो जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, इसके अंदर सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किया हमने वैसे ही करना है। निगेशन का सिंबल लगाया, पी की जगह टी और आर की जगह पर एफ एंड एफ। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एफ, बिकॉज आर की प्लेस मुझे एफ रखना है, एंड निगेशन ऑफ एफ एंड टी। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलो मैंने सारी वैल्यू साइन कर दी है, अब क्या करना है मुझे, सॉल्व करना है इसके आगे। निगेशन बिग ब्रैकेट टी और एफ एंड एफ क्या होगा, टी एंड टी टी होता है, बाकी सब क्या होता है, एफ होता है, तो यहां पर एफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड निगेशन यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल चेंज करो आप लोग, एफ एंड टी हो जाएगा, बिकॉज एफ का निगेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहां पर मैंने टी लिखा है, टी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर समझाए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप निगेशन, टी और एफ कितना हो जाएगा, टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, बिकॉज एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब टी होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो एंड ये निगेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं लोग, एफ एंड टी, एंड का टेबल है तो एंड के टेबल में टी एंड टी होता है, बाकी सब क्या होता है, एफ होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर एफ एंड टी। समझाया क्या, यहां पर समझाया आप लोगों, चलो ब्रैकेट प्रॉपर लगाएंगे, प्रॉपर यूज करेंगे ब्रैकेट का, ब्रैकेट प्रॉपर यूज नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। एंड पहले इसको सॉल्व कर लो, एंड का टेबल है, एंड के टेबल में टी एंड टी टी होता है, बाकी सब एफ होता है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एफ, और ए निगेशन है, एफ का निगेशन क्या होता है, टी होता है। सो निगेशन यहां पर लगाया, टी एंड टी,
स्टूडेंट टी एन टी क्या होता है, टी होता है, सो निगेशन ऑफ टी क्या कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ. ओके, देखना आसान था, बस क्या करना है, बी कॉन्सेंट्रेट, एकदम अच्छे से करो, आराम आराम से करो, कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव छूटना नहीं चाहिए और ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको राइट डाउन कर लो. मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ फोर. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर लिख के रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री तक आपको समझा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. मतलब को ऐसा अज्यूम करना है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए, दोनों क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू है, ऐसा हमको अज्यूम करके रखना है. दिस वन ऑल्सो ट्रू है, दिस वन ऑल्सो ट्रू. स्टेटमेंट पी क्या, संडे इज हॉलीडे एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. पहला स्टेटमेंट क्या है, संडे इज हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. ओके, तो दोनों स्टेटमेंट को ट्रू समझ के उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना. ट्रूथ वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, संडे इज नॉट हॉलीडे. द सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिख दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म इज संडे इज नॉट हॉलीडे. तो पी लगा दिया मैंने, पी के आगे क्या लगाया, निगेशन लगा दिया बिकॉज नॉट लगाया. और राम स्टडी ऑन हॉलीडे, तो राम स्टडी ऑन हॉलीडे. अब यहां पर अगर बोलेंगे यहां पर नॉट का यूज किया, तो दैट्स व्हाई यहां पर हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, समझा, बिकॉज यहां पर नॉट नहीं लगाया तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, बिकॉज ओरिजिनल सेंटेंस में नॉट का यूज दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसको क्या मानना है, टी मानना है, पी हो गया नॉट टी. सो नॉट टी, नॉट टी क्या हो जाएगा, एफ और एफ. तो एफ और एफ क्या होता है, एफ होता है. तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ गया, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट, सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा स्टूडेंट, ए इफ और ए क्या देन है. तो इंप्लाइज का सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, संडे इज नॉट हॉलीडे, तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज का सिंबॉल, बिकॉज इफ और देन का यूज किया था, दैट्स व्हाई मैंने इंप्लाइज का सिंबॉल लगाया, राम स्टडी ऑन संडे, राम स्टडी ऑन हॉलीडे. तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर अफर्मेटिव है, तो यहां पर देखो निगेटिव दिया, तो निगेटिव लगाएंगे लोग. स्टूडेंट्स अभी यहां पर इसका वैल्यू पुट अप कर दो, पी का वैल्यू क्या रखना है, टी रखना, निगेशन ऑफ T implies negation of T, okay? क्योंकि दोनों को मुझे क्या assume करना है, दोनों T है. So इधर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, implies F. F जब F को implies करेगा, answer कितना है, T आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जब T F को implies करता है तभी F होता है, अदरवाइज सब क्या होता है, T होते हैं. इंप्लीकेशन के टेबल में, कंडीशन के टेबल में देखा हो, अगर T F को implies करेगा तो ही उसका वैल्यू F आएगा, अदरवाइज सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, T हो जाते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, संडे इज हॉलीडे एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे. सो सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिख दो, सिंबॉलिक फॉर्म इज संडे इज हॉलीडे. सो क्या हो जाएगा, यहां निगेशन का यूज किया गया, नहीं तो लोग क्या लिखेंगे, पी एंड यूज किया, तो यहां पर लिखेंगे एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे. तो यहां पर डज नॉट का यूज किया, दैट्स व्हाई यहां पर क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्यू. अब इसका वैल्यू टी है एंड निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ होता है. तो टी एंड एफ क्या होता है, टी एंड टी टी होता है. अगर एंड का टेबल देखोगे तो टी एंड टी क्या होता है, टी होता है, अदरवाइज सब क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई इसका वैल्यू क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा फोर हो गया. आपको वो टेबल समझ में आना चाहिए, मैंने पूरे टेबल्स को कैसे लर्न किया आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर फाइव लिख देता हूं, इसको रफ करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में राइट आउट कर लो. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमको क्या करना, फाइव करना है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज. ओके, और बहुत इजी है, क्या करना है, जो भी हमको सिंबॉलिक फॉर्म है उसको वर्ड फॉर्मेशन करना है, वर्ड में लिख देना, सेंटेंस बना देना. क्या इफ पी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू है, ही स्विम्स, वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट. इसको क्या करना, वर्बली हमको लिखना है, इसको सिंबॉलिक में दिया, इसको वर्बली कन्वर्ट करना है. सो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, P को कंसीडर करना है, ही स्विम, और ये सिंबल क्या है, इसके लिए हम लोग लगाने वाले इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली. तो पहले P ले दो, ही स्विम्स, स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म. अंडरस्टूड, P स्टेटमेंट लिखना है और जो उसका कनेक्टिव रहेगा वो कनेक्टिव के हिसाब से उसको वर्ड लिख देना है. ओके, यहां पर क्या निगेशन है, निगेशन है और दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक ही है. सो ये निगेशन के लिए तीन वर्ड है, एक नॉट यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट और इट इज फॉल्स. तीन वर्ड हमारे पास है, नॉट का यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स.
सो हम लोग मैं यहां पर यूज करने वाला हूं इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट पी की जगह क्या लिखेंगे ही स्विम्स और क्यू की जगह क्या लिखेंगे वॉटर इज वॉर्म, वॉटर इज वॉर्म. अंडरस्टूड? एंड क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इंप्लाइज पी दैट मीन्स यहां पर क्यू स्टेटमेंट पहले आएगा और पी स्टेटमेंट बाद में जाएगा. तो क्यू स्टेटमेंट क्या, वॉटर इज वॉर्म. अब यहां पर इफ देन का यूज करना, किसका यूज करना है, इफ और देन का. ओके इंप्लीकेशन है तो इफ और देन का यूज करेंगे. पहले सेंटेंस के आगे इफ लगाएंगे, सेकेंड सेंटेंस के आगे क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे. सो क्या हो जाएगा थर्ड वन, इफ क्यू स्टेटमेंट क्या, वॉटर इज वॉर्म, वॉटर इज वॉर्म. अब क्या लगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया देन लगा दो, देन ही स्विम, ही स्विम्स. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्यू वाला स्टेटमेंट लिखना है, एंड लगाना है और जो पी वाला स्टेटमेंट रहेगा उसके आगे नॉट लगाना है. ओके सो क्यू स्टेटमेंट क्या है, वॉटर इज वॉर्म, वॉटर इज वॉर्म, कौन सा सिंबल है, एंड का है, एंड क्या है, ही नॉट लगाना है. तो ही के आगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो डज नॉट आएगा, डज नॉट सीम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ. आई होप आपको पूरा वीडियो समझा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आप वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं. और मैंने क्वेश्चन किया जिसका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना है, ठीक है, कमेंट कर देना है. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 के साथ.